तो अब हमने जो है विकेट भी परचेज कर लिया है, मोबाइल नंबर भी परचेज जो है वीजा के ऐप से कर लिया है। VPS में लॉग इन होने के बाद अब हमारा जो पहला स्टेप आता है वो है वर्चुअल एड्रेस ट्राई करने का। तो हम जाते हैं आइकन ऑफिस पे, आइकन ऑफिस ये सबसे जो है वो मतलब रीजनेबल प्राइस में जो वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइड करते हैं ना, बाकी हैं वो थोड़े महंगे हैं, तो इनकी सर्विस भी अच्छी है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सही है। तो अब हमारा जो भी अब हमने आइकन ऑफिस की जो वर्चुअल ऑफिस है उसके ऊपर आ जाना है। वर्चुअल ऑफिस के बाद ये इनके पास में चार डिफरेंट लोकेशन पे जो है ना ऑफिस हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, सी फॉर्म फोर एक्सक्लूसिव एड्रेस में मतलब चार डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपको ये एड्रेस देंगे। और नीचे इनके पैकेजेस हैं। ठीक है, पैकेजेस ये ठीक है, ये हम सब्सक्राइब करते हैं इसको, ये वाला कर देंगे। ये थोड़ा VPS का थोड़ा सा स्लो है, कभी कभी हो जाता है। तो आपने एड्रेस सेलेक्ट करना है, ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, कोई भी आप अपनी मर्जी का जो है वो सेलेक्ट कर लें। मैं ये वाला जो है ये सेकंड वाला जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उस बंदे का नाम जो होगा वो लिखना है। ठीक है, मेरा तो आपको नाम है, मैं वो वाला यूज़ करता हूँ। अब इसका जो रेजिडेंशियल एड्रेस जो सेम इसी के ऊपर होगा ना रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आपने वही सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, ये रहा मेरे पास, तो मैं ये वाला लिखूँगा। जिप कोड जो है वो 2573 या आप अपनी मर्जी का जो लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्री हो गया आपका पाकिस्तान, फोन नंबर आप लिखते हैं 0, आप अपना भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी आप चाहें लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है ये आपने कंपनी है उसके ऊपर और उसके लिए परचेजिंग के लिए गया है सेम ईमेल एड्रेस पर, और अमेजोन पर जो है वो डिफरेंट ईमेल एड्रेस पर। और कंपनी नेम जो है वो आपने पहले से चेक करके रखनी है, जब जैसे मैंने दूजा इंटरप्राइज इस तरह से करके रखी है। अब आपने पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, पेमेंट गेटवे कौन सा करेंगे, जैसे कि पेमेंट गेटवे हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड करते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्रैक्टर को सेलेक्ट करो, ट्रैक्टर और कोई चक्कर नहीं है, तुम्हारे को करते हैं कंजन के लिए सब करते हैं। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है एक बार पहले नहीं चेक कर लो, मैंने आपने तो मैं जो आपकी इंफॉर्मेशन कोई गलत नहीं है। हाँ, तो हमें ई मेल मिलने का ऑफिस जो एड्रेस है वो आ गया है, जो ऑफिस एड्रेस आ गया है जो हमारे पास ऑफिस एड्रेस है। ठीक है, इस ई मेल में जो है ना उन्होंने ये भी कहा है कि ये एड्रेस
इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई पोस्ट वगैरह आएगी तो हम पहले वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपको देंगे। और वेरिफिकेशन में एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और दो जो हैं वो आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट मांगेंगे। कौन से मांगेंगे? इसके साथ उन्होंने ई मेल और लॉगिन पासवर्ड जो है वो हमने बाई डिफॉल्ट क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला एड्रेस के साथ जो हमने पुट किया, सारी डिटेल जो है वो हमें यहाँ पर उन्होंने जो है वो एंटर कर दिया है, सही हो गया जी। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो हम एड्रेस जो है वो वहाँ से बाय कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा जो है ऑटोमेटिक काम ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एड्रेस भी है और मोबाइल नंबर भी है। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो है कि कंपनी हाउस पे अप्लाई करेंगे कंपनी के लिए।